सबको नमस्कार। मैं प्रभाकर चक्रवर्ती शर्मा उज्जैन देवस्थान के अंग्रेजी पंचांग का पंचांग करता हूँ। जून 10, 2021 को सूर्य ग्रहण जो है हो रहा है। ये सूर्य ग्रहण सूरज और धरती के बीच में चंद्रमा आने के कारण ये सूर्य ग्रहण जो है दुख सिद्धांत गणित के अनुसार हो रहा है करके मैं बता रहा हूँ। ये सूर्य ग्रहण भारत देश में नहीं हो रहा है। इस साल 4 ग्रहण जो है हमें दिख रहा है। पहला जो चंद्र ग्रहण जो है वो वैशाख मास में हुआ था। अभी जो जून 10 तारीख को वैशाख के अमावस्या के समय में इस समय में सूर्य ग्रहण हो रहा है। इसके बाद नवंबर 9 तारीख को एक चंद्र ग्रहण है और दिसंबर को और एक सूर्य ग्रहण है। ये चारों ग्रहण भारत देश में नहीं हो रहा है। विशेष रूप में ये जो सूर्य ग्रहण जो 10 तारीख को हम जो बता रहे हैं ये ग्रहण अमेरिका में, यूरोपा देशों में, इसके अलावा कनाडा में, इस देशों में और आसिया के कुछ विभिन्न भागों में जो है ये ग्रहण लोगों को दिखेगा। ये भारत देश में ना दिखने के कारण, ना होने के कारण कोई भी ग्रहण का सूत्र पालन करने की ज़रूरत नहीं है। हर मंदिर खुला रख सकते हैं, उस दिन लोग सब पूजा पाठ करके अपना कार्यक्रम कर सकते हैं। ये ग्रहण के समय जिस देशों में जहाँ पे हिंदू लोग हैं, जहाँ पे भारतीय लोग हैं, जहाँ पे ग्रहण जो है संभावन हो रहा है, वहाँ पे ग्रहण का नियम पालन करने के लिए मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा। जब भी ग्रहण लगता है तो ग्रहण के समय हमारे सनातन धर्म में 5 चीज़ बताया गया है। वो 5 चीज़ क्या है? ग्रहण के समय जप करना, तप करना, दान करना, स्नान करना, तर्पण करना। अगर ये 5ों चीज़ों में जिस देशों में हमारे जो हिंदू लोग रह रहे हैं उनको जो जो चीज़ वो लोग कर सकते हैं उस दिन करना, करने से उसका कुछ पुण्य फल मिलता है। ग्रहण के दिन पहले स्नान करना, ग्रहण से पहले स्नान करना, ग्रहण के बाद स्नान करना और जहाँ पे ग्रहण का जो बीच का समय होता है उस समय का स्नान करना अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसके बाद जप, तप, होम, इन तीनों में जो उनको कर सकते हैं वो चीज़ करना। विशेष रूप में जब जप कर रहे हैं तो दुर्गा का जप, राहु का जप करना ग्रहण के समय में अच्छा होता है। ये विशेष रूप से सूर्य ग्रहण होने के कारण सूर्य भगवान का जप करना अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसी के साथ उस दिन दान, किसी भी जो भी वहाँ पे जिनके पास पैसा नहीं है, जो भी जिनके पास खाना नहीं है उनको कुछ दान करना, या कोई भी पंडित है उसको दान करने से उसका कुछ पुण्य फल मिलता है। इसके अलावा जप, तप, दान के अलावा स्नान और तर्पण, जो भी सूर्य भगवान को, देवताओं को, पितृ देवताओं को ग्रहण के समय जो भी तर्पण देते हैं उसका अत्यंत पुण्य फल मिलता है करके हमारे पुराण और शास्त्र बताया गया है। तो जो भी विदेशों में हैं जिनको ग्रहण दिख रहा है उस समय ये सारे चीज़ करके वो पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। उस पुण्य से जो है उनको भोग भी जो है मिलता है। मैं सबको सूर्य ग्रहण का ये विशेष बताने के लिए इस माध्यम से सबको बता रहा हूँ और सबको संपूर्ण आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य मिलना है करके भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। सबको धन्यवाद। प्रभाकर चक्रवर्ती शर्मा। ये सूर्य ग्रहण के समय में जो भी विदेशों में हैं, जिन जिन देशों में ये ग्रहण का ग्रहण जो है हो रहा है, उस समय ग्रहण के समय जो भी विदेशों में हैं उन लोगों को भगवान के पास तिल के तेल से दिया जलाना, राहु और दुर्गा देवी का जप करना और ग्रहण के समय में राहु दुर्गा के साथ सूर्य भगवान का, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण होने के कारण सूर्य भगवान का जप करना और जो भी गायत्री मंत्र और ये सब चीज़ों से जिनका गुरु उपदेश होता है तो वो जो मंत्रों से
भगवान का जो है ध्यान करना, जप करना, ये सारे चीज़ें अच्छे फल मिलते हैं। ग्रहण के समय जप, तप, दान, ये तीनों करना और इसके साथ स्नान और तर्पण, ये पांचों चीज़ों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण फल रहता है। तो जो भी व्यक्ति सूर्य ग्रहण के समय जप करता है, तप करता है, स्नान करता है, तर्पण करता है और ध्यान करता है, उनको भगवान का जो है पितृ देवता, देवता दोनों का जो है आशीर्वाद मिलके पुण्य प्राप्त होता है और उस पुण्य के साथ उनको संसार में भोग का भी प्राप्त होता है। तो जो भी व्यक्ति जहाँ पे विदेशों में है वो ग्रहण के समय में इन पांचों चीज़ों में जो उनके लिए करने लायक है वो करके इस ग्रहण का फ़ायदा उठा सकते हैं।